जातस्हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यार्थे न त्वं सोचितुमर्हसि। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अगर तुम यह मानते हो कि जन्मे हुए को मृत्यु निश्चित है और मरे हुए को जन्म निश्चित है, तो इससे यह बिना उपाय वाले विषय में तुम्हें शोक करने का कोई हक नहीं। जन्म और मृत्यु तो जुड़े हैं, एक दूसरे का होना तय है, फिर शोक क्यों करना? जिसका जन्म हुआ है उसका अंत तो निश्चित है, और अगर आत्मा ने जन्म लिया है तो उसका मरना भी निश्चित है। कृष्ण यहाँ यह कह रहे हैं, ना जाने कितनी बार हम उन बातों की इच्छुक करते हैं जिनका होना तय है, इसमें समझदारी नहीं है। जो तय है वह होगा, और जो होगा ही तो उसके लिए शोक करके अपने आप को कमजोर या दुर्बल बनाने की क्या आवश्यकता है।